सो गाइस, कल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी और इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में आईपीएल 2020 के डेट फिक्स हो चुके हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही अगर मैं बात कर लूँ, इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में एक और काफ़ी बड़ा फैसला लिया था और वो है वुमेन्स आईपीएल का। हाँ गाइस, और फाइनली वुमेन्स आईपीएल भी इसी साल होने वाला है, जो कि इसी आईपीएल 2020 जो कि पहले होने वाला था उसी के साथ ही वुमेन्स आईपीएल होने वाला था, लेकिन आईपीएल पोस्टपोन हुआ। उसके बाद वुमेन्स आईपीएल जो होने वाला था, जो कि सभी क्वालिफाइंग मैच में खेले जाने वाले थे वुमेन्स मुकाबले, दोस्तों उसे भी क्लैश करना पड़ा था, उसे भी उसी समय पोस्टपोन करना पड़ा था। लेकिन गाइस, अब फाइनली बीसीसीआई ने काफ़ी बड़ी खुशखबरी दे दी है कि इस बार खेला जाएगा वुमेन्स आईपीएल 2020 और इसका जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा वुमेन्स टी20 चैलेंज का नाम दिया जाएगा। सो गाइस, फाइनली हम लोग मुद्दे की बात कर लेते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन्स टी20 चैलेंज के डेट्स, वेन्यू, फिक्स्चर और साथ में टाइमिंग की। तो दोस्तों, बहुत ही डिटेल वीडियो है, देखते रहिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीम्स की। तो आपको काफ़ी अच्छे से मालूम होगा कि ये जो वुमेन्स टी20 चैलेंज है, ये 2 साल पहले शुरू किया गया था और इसमें हम बात कर लें, उस समय सिर्फ 2 टीमें हिस्सा ली थी और उनका नाम था टिल ब्लेजर और सुपर नोवास की टीम थी। लेकिन गाइस, पिछले साल से एक और टीम को बढ़ा दिया था बीसीसीआई ने इसी आईपीएल के लिए। सो गाइस, अगली टीम का जो नाम था वो था वेलोसिटी। वेलोसिटी नाम की एक और टीम आई थी, इस चैलेंज में जुड़ चुकी थी और गाइस, इस साल भी यही 3 टीम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पहले टीम का नाम रहने वाला है टिल ब्लेजर, दूसरे टीम का नाम रहने वाला है सुपर नोवास और तीसरे टीम का नाम रहने वाला है वेलोसिटी। सो गाइस, ये 3 टीमें हैं जो कि इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं इस लीग में। सो गाइस, फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं अब डेट्स की। तो बीसीसीआई ने जो पहले डेट्स जो कि लाए हैं वो है 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, यानी दोस्तों 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में ये जो टूर्नामेंट है, ये जो लीग है वो होने वाला है। और गाइस, फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग मैचेस की कि आखिर कितने मैचेस खेले जाएंगे। सो गाइस, अभी तक बीसीसीआई ने रिवील नहीं किया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आखिर कितने मुकाबले खेले जा सकते हैं, सो गाइस इस सीरीज में हम बात कर लेते हैं, जब ये पहले पोस्टपोन हुआ था तो वहाँ पर 7 मैचेस खेले जाने थे और उसके बाद 8वां मुकाबला फाइनल था। सो गाइस, ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया जाएगा और 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में जब जब क्वालिफाइंग के मुकाबले होंगे वहाँ पे ये जो मैचेस हैं वो होंगे, और जब भी क्वालिफाइंग के मुकाबले जो कि आईपीएल के नहीं होंगे तो अगले दिन भी हो सकता है कि इन टीमों को लाया जाए। और इसीलिए लग रहा है कि इस बार भी लगभग फाइनल्स मिला के 8 मुकाबले होने वाले हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग बात करते हैं अगले फिक्स्चर की। तो अगला जो फिक्स्चर होने वाला है वो है टाइमिंग को लेकर। हाँ गाइस, सबसे बड़ा मुद्दा कि आखिर टाइमिंग क्या रहने वाला है। सो गाइस, अगर आईपीएल 2020 के अगर क्वालिफाइंग मुकाबले होते हैं तो वो 7:30 बजे से स्टार्ट होंगे, तो ऐसे में ये जो मैचेस हैं वो 3:30 बजे से स्टार्ट होंगे। लेकिन गाइस, अगर आईपीएल उस दिन नहीं होता है, जैसे कि गैप मिलने वाले हैं क्वालिफाइंग मुकाबले में, तो उस दिन ऐसा हो सकता है कि 8 बजे 7:30 बजे से मुकाबले स्टार्ट हो सकते हैं। सो गाइस, ये थे टाइमिंग को लेके। सो गाइस, ये सभी चीज़ें थी जो कि इस बार होने वाली हैं और इस पे जो कि वुमेन्स हैं, जो कि वुमेन्स क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट की जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी हैं और बीसीसीआई को इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ भी दी हैं कि अगर हम बात करें आईपीएल 2020 इस बड़े पैंडमिक में हो रहा है और ऐसे में वुमेन्स आईपीएल यानी वुमेन्स टी20 चैलेंज के बारे में सोचना बीसीसीआई की तरफ से काफ़ी बड़े दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। तो इसीलिए सभी वुमेन्स क्रिकेटर जो हैं इनका अच्छे से स्वागत किए हैं। सो गाइस, आप बताइए कि आप इस सीरीज के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दोस्तों, ऐसे ही और क्रिकेट के न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो के।